गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज का जो न्यू रिकमेंडर है वो SBI क्लार्क डिपार्टमेंट से है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको जॉब ऑफर कर रहा है, वो भी क्लार्क डिपार्टमेंट में। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और इसका प्रोसीड्योर क्या है, तो पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और यहाँ पे देखिए टोटल कुल मिलाकर 5000 क्लार्क का पोस्ट है, तो पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए SBI क्लर्क से जो रिकमेंडर है, ऑल ओवर इंडिया से आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जॉब लोकेशन कहाँ पे होगा वो अभी तक डिस्कस किया गया नहीं है, तो आपका सिलेक्शन का अब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5000 जो वैकेंसीज है टोटली जूनियर एसोसिएट क्लर्क डिपार्टमेंट में है, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे देखिए जॉब जो टाइप है वो परमानेंट है और प्राइवेट सेक्टर में होगा। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट जो दिया गया है आपका 20 से 28 ईयर जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC के लिए देखिए 20 से 31 ईयर तक, और SC ST के लिए 20 से 33, और PWD फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपको 20 से 38 तक। और यहाँ पे देखिए सिलेक्शन जो प्रोसीड्योर रहेगा वो टोटली ऑनलाइन टेस्ट होगा, पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा, इस दोनों एग्ज़ाम के बाद ही आपको सिलेक्शन हो पाएंगे। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम फीस है जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़ पे करना होगा, और SC ST OBC के लिए, सॉरी जनरल OBC के लिए 750 रुपीज़ पे करना होगा, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप और एक सर्विसमैन और फीमेल के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। सैलरी पैकेज देखिए 19,900 से 47,900 तक आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी पे है 29,200 पर मंथ। और यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए ग्रेजुएट पास होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट पास कर चुके तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और बाकी डिटेल्स इस जॉब नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा, तो आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग डेट जो है 27 मई, और लास्ट डेट होगा 17 मई, सॉरी स्टार्टिंग डेट 27 मार्च से 17 मई तक आपका एप्लीकेशन जारी रहेगा, तो उस डेट के अंदर आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो एप्लीकेशन का प्रोसीड्योर में स्टेप वाइज दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ कैसे अप्लाई करेंगे। तो एप्लीकेशन दिखाने से पहले मैं यही कहूँगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाइए, इसमें आपको फ़ायदा ही मिलेगा, आपको एडमिट सिलेबस अदर डिटेल्स भी वहाँ से मिलता रहेंगे, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन में क्लिक कर इस लिंक पर क्लिक कर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन जो दिया गया है उससे पहले नोटिफिकेशन में क्लिक करना, तो जब नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और सॉरी एक मिनट और पेज, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा डिटेल्स में आपको देखना है नोटिफिकेशन, और उसके बाद आपको अप्लाई करना। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स में आपको मिल जाएगा कौन सा स्टेट में आपको एप्लीकेशन का प्रोसीड्योर मिलेगा, और हर स्टेट में पोस्ट है, तो जिस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट में अप्लाई कर दीजिए, और पूरा डिटेल्स यहाँ पे पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप अप्लाई करिए। मैं हर बार यही कहता हूँ, पहले नोटिफिकेशन के ध्यान से पढ़ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगा, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अप्लाई करने का प्रोसीड्यर देखिए, अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना तो इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले ऊपर रजिस्टर ऑप्शन दिया गया है, तो रजिस्टर हेयर में क्लिक करना होगा। तो जब रजिस्टर हेयर में क्लिक करेंगे तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे देखिए 6 पोस्ट स्टेप है, यहाँ पे 5 स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना होगा, आपका नाम वगैरह, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह डालना होगा, और उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, उसके बाद डिटेल्स मतलब आपका एड्रेस क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपलोड करना होगा, उसके बाद प्रीव्यू करके देखना होगा, और लास्ट 5 स्टेप में आपको अपलोड करना होगा, और लास्ट स्टेप में पेमेंट करना होगा। तो जिसका पेमेंट नहीं है तो पेमेंट स्टेप नहीं आएगा। तो आई होप जॉब का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया, सिंपल प्रोसेस है, आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी तकलीफ हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा। तो आई होप जॉब का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया, तो वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि उसको भी पता चले कौन सा जॉब कब आ रहा है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट जॉब में, बाय बाय।